दोस्तों, चीन एक विस्तारवादी देश है, इस बात में किसी को कोई शक नहीं है। चीन का अपने हर पड़ोसी देशों के साथ जमीन को लेकर एक विवाद है। चीन को लगता है कि सभी पड़ोसी देशों का जमीन उसकी खुद का है। जिन देशों के साथ इनका जमीनी विवाद नहीं है, उन देशों को ये हड़पना चाहते हैं लोन डिप्लोमेसी के जरिए। इस वीडियो में हम आप लोगों को चीन के द्वारा किए गए एक ऐसे घटना के बारे में बोलेंगे जो केवल दर्दनाक ही नहीं है, समाज के लिए हानिकारक थे। चाइना की सेकेंड फाइव ईयर्स प्लान में चाइना के चेयरमैन माओ जे डोंग चाइना को परफेक्ट कम्युनिस्ट सोसाइटी में बदलना चाहते थे, जिसके लिए चाइना गवर्नमेंट ने ग्रेट फॉरवर्ड लीप मूवमेंट शुरू किया था। यह एक सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म है जिसके जरिए चीन कृषि समाज से उतरकर कम्युनिस्ट समाज में बदल सकता था और चाइना दुनिया के हर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमिक कंट्री के समकक्ष हो जाएगा, जैसे सोवियत यूनियन, यूएसए, यूके, इनके बराबरी में आ जाएगा विद इन फाइव ईयर्स। ये उनका टारगेट था। ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट का एक पार्ट था फोर पेस्ट्स कैंपेन, जो साल 1958 में शुरू हुआ था और 1962 में जाकर खत्म हुआ। इसमें चार जीवों को टारगेट किया गया, चूहे, मक्खियां, मच्छर और चिड़िया, जो कॉमन हाउस पैरो होती है, हम देखते हैं हमारे घरों में। अब ये चिड़िया को छोड़कर बाकी तीन इंसानों में बहुत सी बीमारियां फैलाती है। ये तीनों तो ठीक है, बट चाइना की सरकार ने ये चिड़िया को क्यों शामिल किया? देखिए, चाइनीज सरकार के दिमाग में ये बैठ गया कि जो चिड़िया है वो बहुत सारे अनाज खा जाती है। जो मेहनत करके किसान अनाज उगाता है, एक चिड़िया अप्रोक्सीमेटली 4.5 केजी अनाज एक साल में खा जाती है। उन्होंने ये कैलकुलेट किया, देश में कितना चिड़िया होंगी उसके साथ मल्टीपल करके एक अंदाजा लगाया कि कितने किलोग्राम अनाज हर साल चिड़िया खा जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सरकार ने घोषणा की, बर्ड्स आर पब्लिक एनिमल ऑफ कैपिटलिज्म बिकॉज दे आर ऑलवेज हंग्री। चीन की सरकार ने चिड़िया मारने के लिए सेना को ऑर्डर दिया। सरकार से जनता के लिए अपील थी कि वो सारे चिड़िया को मार दे, चिड़िया का सभी घोंसले तोड़ दे, चिड़िया को अपनी घर में बैठने ना दे और वो थकने की वजह से आसमान से गिरकर मर जाए। फिर ढूंढ ढूंढ कर सभी चिड़िया को घोंसले तोड़ दिए गए, चिड़िया का सारे अंडे तोड़ दिए गए, चिड़िया की सारे बच्चे मार दिए गए। सरकारी एजेंसियों और स्कूलों के बीच प्रतियोगिता होता था जिन्होंने चूहे की पूंछ, मृत मक्खियों और मच्छरों या मृत स्पैरो की सबसे बड़ी संख्या लाकर दिखाएगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। ये मास किलिंग की वजह से ये चिड़िया चीन से लगभग विलुप्त हो गया। एक साल के अंदर अंदर ही लगभग 100 करोड़ चिड़िया मारी गई, 150 करोड़ चूहे मारे गए, 100 मिलियन केजी मक्खियां और 11 मिलियन केजी मच्छर मारे गए। चिड़िया जो है वो कीड़े मकोड़े खाती है जो ज्यादातर खेतों में होती है, लेकिन चिड़िया की कमी की वजह से कीटों की संख्या बढ़ने लगा और वो फसलों को बुरी तरह से बर्बाद कर रहा था। चाइनीज ऑर्निथोलॉजिस्ट साउ सिन चांग ने 1960 में सरकार को ये मास किलिंग की नेगेटिव इम्पैक्ट गंभीरता से समझाया। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, फसलों को बर्बाद होते देखकर सरकार ने स्पैरो कैंपेन बंद कर दिया, उसके बदले में बेड बग्स कैंपेन स्टार्ट किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गया था। चिड़िया की कमी की वजह से टिड्डियों ने फसलों की खेत पर हमला बोल दिया था। व्यापक वनों की कटने की वजह से, जहर और पेस्टिसाइड की दुरुपयोग की वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के दौरान चीन को बुरी तरह से भुगतना पड़ा। 1960 में चीन में अकाल भूखमरी शुरू हो गया था, 1.5 करोड़ से 4.5 करोड़ लोगों का मौत हो गया था इस अकाल की वजह से। हालत इतना बिगड़ गया कि लोगों को घास, चूहे, कुत्तों, बिल्लियों को खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये घटनाएं चाइना की हिस्ट्री में ग्रेट चाइनीज फेमाइन के नाम से जाने जाते हैं। ये सब चीनी लोगों की खाद्याभ्यास में एक दीर्घकालिक परिवर्तन लाया। चाइना में कुछ भी होता है तो वो ग्रेट ही होता है, लोग मरते भी हैं तो ग्रेट फेमाइन के रूम में, और कोई प्लान भी होता है तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड के रूम में।
ये सब देखते हुए चीनी सरकार ने सोवियत यूनियन से जो अब रसिया है 2.5 लाख स्पैरो लाए थे। ये फोर पेस्ट कैंपेन से ये सबक मिलता है, कोई पॉलिसी बनाने वक्त जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि हम इकोलॉजी और नेचर के साथ छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि इकोसिस्टम का जो फूड चेन है वो बहुत नाजुक होता है। अगर आप किसी एक भी जीव को इस दुनिया से हटा देंगे तो उसके कारण पूरे नेचर का जो स्टेबिलाइजेशन है वो बिगड़ सकता है। ओके दोस्तों, आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।